नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। मढ़वाल पुलिस ने एक बवाइन स्मगलिंग के मामले को विफल किया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक पशु तस्करी के मामले को विफल किया है और जानकारी ये मिली है कि कुछ मवेशी जो है वो रेस्क्यू किए गए हैं और एक डंपर को जो है वो भी जब्त किया। डंपर की तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये वो डंपर है जिसको मढ़वाल पुलिस ने पकड़ा और इसमें शायद पशुओं को मवेशियों को लेकर जाया जा रहा था। क्या कुछ जानकारी है इस पर विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मोहित जम्वाल है, हमारे क्राइम रिपोर्टर। मोहित जी। जी दीपक। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो मढ़वाल पुलिस ने एक बुवाइन स्मगलिंग के मामले को विफल किया है और पशु जो है वो रेस्क्यू करवाए गए हैं, मवेशी रेस्क्यू करवाए गए हैं, इसमें क्या जानकारियां हैं? दीपक, इसने एसटीपीओ नगरोटा द्वारा नाके लगवाए गए थे। इस सुनिश्चित नाका से गाड़ी नाका फोड़कर यहाँ से भाग निकली थी। अच्छा। तो उन्होंने मढ़वाल पुलिस को सूचित किया और उसके बाद मढ़वाल पुलिस ने इसको गाड़ी को पकड़ लिया। लेकिन गौरतलब ये रहा कि इसमें जो इस गाड़ी का ड्राइवर था वो भागने में कामयाब रहा। ड्राइवर भाग गया? खाली ड्राइवर ही था कि और भी थे, तस्कर भी थे इसमें? दीपक, ये कहना भी उचित नहीं होगा। अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन देर रात पुलिस ने ये जो डंपर पकड़ा था, इसका जो नंबर है मैं आपको बता दूं, JK019A0884 है। अच्छा, ठीक है दीपक। ये सुनिश्चर से चंद्रा की तरफ को गया था, यहाँ पे सुनिश्चर नाका तोड़कर। आए दिन यहाँ पर मवेशी तस्करी के मामले होते रहते हैं, लेकिन जो तस्कर इतने चलाक है दीपक की ये डंपर का प्रयोग कर रहे हैं, इन डंपरों में इस रोड से रीता बजरी वगैरह जाता है, तो किसी को शक ना हो इन्होंने ऊपर तरपाल दे रखा था। जब इन्हें सुनिश्चित नाका पर सिपाहियों ने रोकने का प्रयास किया, इन्होंने नाका तोड़कर यहाँ से भाग निकले। मतलब अगर रोकते नहीं तो ये अपने आराम से जैसे जा रहे हैं वैसे जाते। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर एक बैरिकेड लगाया गया है पुलिस द्वारा, चेक नाका उसको रात को बंद कर दिया जाता है। अभी पिछले दिनों ही सेदरा पुलिस भी यहाँ से एक गाड़ी को लेकर गई थी, उस समय भी मवेशी तस्कर जो है सेदरा नाका तोड़कर भाग निकले थे। लेकिन दीपक सबसे बड़ी बात है, ये गाड़ी सुनिश्चित नाका तक पहुंची कैसे? अच्छा, सुनिश्चित नाके तक पहुंच गई थी ये? कैसे पहुंची ये, किस तरफ से आई, ये एक जांच का विषय रहेगा। लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं बता रही है कि ये गाड़ी कहाँ से आई थी और इसे जाना कहाँ पे था। अच्छा जी, नहीं तो ऐसा तो नहीं है गाड़ी को मॉडिफाई किया गया था मवेशियों को रखने के लिए? दीपक, ये डंपर था, इसमें रेता बजरी जाता है यहाँ से ना, आपको पता होगा यहाँ पर माइनिंग जो खुल चुकी है, कुछ पॉइंट्स खुले हैं, तो इसी रास्ते को यूज करते हुए वो लोग ऊपर रामबन से नगर की ओर जाते हैं सामान लेकर। तो उसकी आड़ में ये मवेशी तस्करी की जा रही थी, क्योंकि इस डंपर की आप तस्वीर देखें, ऊपर इन्होंने तरपाल दे रखा था जैसे इसके बीच में कोई सामान लोड किया गया, और रेता था इसके बीच में दीपक कुछ हद तक। मतलब वो मॉडिफाई, मतलब ऊपर ऐसे प्लेट से कुछ लगाकर ऊपर रेता डालकर नीचे? हाँ, ऊपर रेता डालकर नीचे मवेशी थे। अच्छा, कितने मवेशियों को रेस्क्यू किया गया है? दीपक, इस डंपर में टोटल 8 मवेशी थे जिनको पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है। 8 मवेशी थे और ड्राइवर जो है, चालक जो था, वो फरार हुआ है। बिल्कुल, वो अंधेरी का फायदा उठाकर फरार हो गया है। लेकिन हमारे एसडीपीओ है जो नगरोटा, इन्होंने मवेशी तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसा हुआ है। अभी हाल ही में PSI मनोज यहाँ पर उन्होंने चार्ज लिया है, पिछले 6 दिन में उन्होंने 4 गाड़ियां पकड़ी हैं दीपक। अच्छा जी, चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, पशु तस्करी के मामले को मढ़वाल पुलिस ने विफल किया है और गाड़ियों को मॉडिफाई किया जा रहा है, डंपरों को भी यूज किया जा रहा है, डंपरों को भी ऊपर शायद उसको इस तरह से मॉडिफाई किया है कि ऊपर रेता डाल सकें और जब कोई देखे तो कहे कि हाँ रेता लेकर जा रहे हैं, बजरी लेकर जा रहे हैं, लेकिन नीचे उसमें मवेशियों को डाल लेते हैं, बेजवानों को डाल लेते हैं और उनको बेरहमी के साथ लेकर जाते हैं। और ना जाने जानकारियाँ ये भी आती हैं कि कौन से इंजेक्शन दे रहे हैं, उनको बेहोश कर देते हैं या बेसुध कर देते हैं, इस तरह की बातें सामने आती है। इसमें कितनी सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन बेजमानों के साथ जिस तरह से क्रूरता से ये लोग पेश आ रहे हैं वो हैरान करने वाले मामले हैं, और ये रुक नहीं रहे हैं और डरते भी नहीं हैं। जब इन्हें रोका जाए तो तब ही अटैक करने पर आ जाते हैं, और अगर नाके के ऊपर किसी ने रोका तो नाका तोड़कर चले जाते हैं, और आगे कोई पुलिसकर्मी आ जाए तो मार भी देंगे। इस तरह का इनका लगता है कि मार देंगे और पुलिसकर्मियों को बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचानी पड़ती है। इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ये कब तक रुकेगा, कैसे रुकेगा, हमें लगता है कि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।